नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल में। आज हम रिव्यू करेंगे राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज धनाड़ी औरंगाबाद। औरंगाबाद में जीपी पॉलिटेक्निक कॉलेज बना है, उसका रिव्यू हम लोग करेंगे और उसका फैसिलिटी और फैकल्टी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं, लेट स्टार्ट। तो अभी हम आ चुके हैं जीपी औरंगाबाद के, उसके कैंपस के अंदर इंटर हो चुके हैं। और अभी आप लोग को पीछे देख सकते हैं, पीछे नया बिल्डिंग बना है, अभी जस्ट ही मतलब इसी साल यहाँ पर स्टार्टिंग हुआ है जीपी औरंगाबाद का। और इधर हम बात करेंगे, स्टार्टिंग में गेट के सामने आपको प्रिंसिपल सर का आवास मिलेगा, प्रचार आवास दिख रहा होगा आप सभी को। और पीछे चलिए अंदर दिखाते हैं क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटी है और फैकल्टी कैसा है, और भी चीज़ यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए अंदर चलते। तभी कॉलेज के मेन गेट है, मतलब मेन गेट एक तो वहाँ पे था, वहाँ से भी अंदर आपको कैंपस में इन होने के लिए जहाँ पे क्लासरूम वगैरह है, सारा लैब वगैरह, आप इस गेट के अंदर जाके यहाँ पे आपको सारा लैब वगैरह मिलेगा। और इसका वर्कशॉप भी है, वर्कशॉप ऑडिटोरियम भी इसमें बना हुआ है। तो चलिए अंदर देखते हैं और इसके बारे में पूरा जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पर है। तो चलिए दिखाते हैं आपको ऑफिशियल वर्क जीपी औरंगाबाद का कहाँ पर होता है। तो आप ग्राउंड फ्लोर पर, एक ग्राउंड फ्लोर से वहाँ पर, वहाँ से आप राइट टर्न कीजिएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा रजिस्ट्रेशन सेक्शन, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का ऑफिस है। उसके बाद फिर आगे हम लोग बात करेंगे तो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे बात करेंगे अकाउंट सेक्शन यहाँ पे है, अभी इसमें लॉक लगा हुआ है। और प्रिंसिपल सर का ऑफिस है, प्रिंसिपल चैम्बर, बिके प्रिंसिपल सर का नाम शायद यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रिंसिपल चैम्बर यही है। चलिए आगे देखिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इधर भी बहुत सारा इधर आपको दिखेगा, ये पता नहीं क्या है, लॉक है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए कॉमन रूम टाइप का है, कॉमन रूम है यहाँ पे, यहाँ पे भी लाइट फैन सब कुछ अवेलेबल है। और आगे हम लोग बात करते हैं तो ये है गर्ल्स कॉमन रूम, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये है गर्ल्स कॉमन रूम। इसके अंदर हम लोग इंटर करेंगे तो यहाँ पे भी कुछ टेबल वगैरह नहीं है, लेकिन लाइट फैन जो चाहिए वो है, टॉयलेट भी है उधर। और इधर आपको हम यहाँ से सीन दिखाने की कोशिश करते हैं कॉलेज का, यहाँ से कॉलेज कैसा लगता है। तो खिड़की तो नहीं खुल रहा है अभी, एक मिनट, देख सकते हैं यहाँ से बाहर का सीन काफ़ी अच्छा है, यहाँ से है, अच्छा व्यू है कॉलेज का। यहाँ पे आपको दिख रहा है लैंग्वेज लैब है, और उसके बगल में क्लासरूम है। ठीक है, आइए दिखाते हैं आपको क्लासरूम औरंगाबाद, जीपी औरंगाबाद का कैसा क्लासरूम है। तो चलिए आते हैं क्लासरूम में, इंटर होते हैं। ये देखिए क्लासरूम काफ़ी शानदार है, काफ़ी गुड लुकिंग है, यहाँ पे आप आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए इसका बेंच वगैरह है, सब कुछ एकदम नया है। और यहाँ पर आपको अच्छा फैसिलिटी मिलेगा, फैकल्टी, अभी फैकल्टी से बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ फैकल्टी कैसा है और भी किस किस चीज़ का फैकल्टी यहाँ पे अवेलेबल है। अभी हाल ही में जीपी औरंगाबाद ने वैकेंसी निकाला था जिसमें एज ए गेस्ट टीचर आपको पढ़ाने का यहाँ पे मौका दिया जा रहा था। तो जाहिर सी बात है कि अभी यहाँ पे थोड़ा सा फैकल्टी की कमी है, और उसमें थोड़ा सा कमी आपको फैकल्टी में मिलेगा, बाकी सब कुछ अभी तक तो अच्छा लग रहा है। चलिए क्लासरूम देख लिए, क्लासरूम देख सकते हैं, फ़ैन है, लाइट प्रॉपर वे में फ़ैन लगा हुआ है, लाइट लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं अब और क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे है। आगे हम लोग बात करेंगे तो कंप्यूटर सेंटर है, इस पर अभी लॉक लगा हुआ है, नहीं तो आपको दिखाते लेकिन अभी नहीं दिखा सकते अनफॉर्चुनेटली। और देखिए एक अनदर क्लासरूम, दिस इज अनदर, वेल मेंटेन एंड ऑल फैसिलिटी आर अवेलेबल हियर, लाइट फैन Every equipment which is required in your classroom, all are available here. Okay? आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला क्लासरूम में। बेंच भी काफ़ी मॉडर्न वाला बेंच है, गुड लुकिंग है, काफ़ी अच्छा है। और आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या है। ग्राउंड फ्लोर पर आपको है ऑडिटोरियम, इसके अंदर आते हैं दिखाते हैं आपको। इधर देखिए ऑडिटोरियम है, आराम से कैमरा मैन आराम से आइएगा। यह है जीपी औरंगाबाद का ऑडिटोरियम, यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह करने के लिए अच्छा जगह है, अच्छा स्पेस है, यहाँ पे स्टेज भी बना हुआ है और काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। आप स्टॉप, यहाँ से देखिए है जीपी औरंगाबाद का ऑडिटोरियम, यहाँ पे स्पेस है, ज़्यादा स्पेस भी नहीं फिर भी ठीक ठाक है, यहाँ पे
कॉलेज के मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट लोग यहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं और अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे आप कंडक्ट करवा सकते हैं। और बाकी इसमें अभी फ़ैन तो नहीं लगा हुआ है, फ़ैन और लाइट यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, बाकी सारा चीज़ अभी वेल मेंटेन वेल फिनिश्ड है और इसका फिनिशिंग जो है बहुत मस्त है। जैसा कि अभी आप नीचे जो क्लासरूम वाला कैंपस उसके अंदर से जस्ट आप बाहर आइएगा तो इधर आपको हॉस्टल मिलेगा, बॉयज़ हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल। तो चलिए बॉयज़ हॉस्टल पहले देखते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे स्टाफ लोग के रहने के लिए क्वार्टर है कैसा है और गर्ल्स हॉस्टल यहाँ पे कैसा है, उसके अंदर फैसिलिटी क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बॉयज़ हॉस्टल के बारे में, तो बॉयज़ हॉस्टल चलिए देखते हैं। बॉयज़ हॉस्टल यहाँ पर तो लगता है कि एक गेट लॉक है। यहाँ पे देखिए दो बॉयज़ हॉस्टल है, एक ही में मतलब अभी ज्वाइंट है इसका, मतलब एक अलग इधर है और एक ये अलग इधर है, ठीक है। बालक छात्रावास 1 और 2 वहाँ पे है। तो चलिए अंदर आने की कोशिश करते हैं, अंदर देखते हैं क्या क्या फैसिलिटी अभी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है हॉस्टल में। अभी तो अभी कोरोना की वजह से अभी हॉस्टल अलॉट नहीं हो रहा है, लेकिन फैसिलिटी वहाँ पर जानना जरूरी है क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है अभी वहाँ पर, क्योंकि जैसे ही कोरोना का सारा ख़त्म हो जाएगा केस, जब हॉस्टल वगैरह रेगुलर मतलब क्लास चलने लगेगा तो हॉस्टल तो अलॉट होगा ही, आज नहीं तो कल तो हॉस्टल अलॉट होना ही होना है। तो देखते हैं क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। चलिए अभी हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर पे आ गए हैं, चलिए इसके अंदर बात करते हैं। तो ये आपका कैंटीन है, मेस जिसमें आपको मिलेगा, मेस फैसिलिटी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फैन और लाइट अच्छा यहाँ पे सब कुछ लगा हुआ है। और यहाँ पे आपको मेस जो काउंटर है, मेस काउंटर यहाँ पे है, आपको खाने का प्रोवाइड यहाँ पे किया जाएगा खाने का। और बात करेंगे आगे ऊपर चलते हैं अभी कि रूम अगर खुला होगा तो रूम में दिखाते हैं, रूम में भी क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिया गया है। इधर तो मेस का है, ये हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर हैं, बॉयज़ हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर पर हैं अभी। और उधर भी कुछ कुछ रूम ग्राउंड फ्लोर पर भी हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो है हॉस्टल अलॉट होता है फर्स्ट फ्लोर से, फर्स्ट फ्लोर से ज़्यादा आपको फैसिलिटी आपको ऊपर मिलेगा। तभी हम पहुंच गए हैं बॉयज़ हॉस्टल के फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे रूम में इंटर करेंगे और रूम में देखते हैं कि अभी क्या क्या फैसिलिटी दिया गया है। तो अभी तो बेड वगैरह नहीं मिला है, बेड टेबल चेयर आपको मिलेगा जब हॉस्टल अलॉट हो जाएगा तब आपको सब प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे अलमीरा बनाया हुआ है, यहाँ पे आप अपना बुक्स वगैरह सामान रख सकते हैं। और एक यहाँ पे भी है, मतलब इसके जो बनाया हुआ डिज़ाइन के अनुसार तो लग रहा है कि आपको 3 स्टूडेंट को मतलब एक रूम अलॉट होगा, एक रूम में आप 3 स्टूडेंट रहेंगे। और बाकी वो डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे हॉस्टल के लिए अप्लाई किए हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा लड़का लोग अप्लाई करेंगे ज़्यादा डिस्टेंस से रहेंगे तो एक रूम में ज़्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट आपको रहने के लिए मिलेगा, लगभग आप 4 स्टूडेंट रहेंगे। अभी हम लोग हैं हॉस्टल के बालकनी में, हॉस्टल के बालकनी से बाहर जब आप देखेंगे तो उसका व्यू आपको दिखेगा। इधर यह है वर्कशॉप है, कार्यशाला निर्माण भवन हिंदी में देख सकते हैं, ये इसको इंग्लिश में वर्कशॉप बोलते हैं। इसके अंदर भी जाने की कोशिश करते हैं, इसके अंदर देखते हैं क्या क्या सामान जो है अभी इस्टेब्लिश हो गया है और क्या क्या होना बाकी है। तो चलिए देखते हैं। तो अभी हम आ गए हैं बॉयज़ हॉस्टल के सबसे ऊपर मतलब आ गए छत पे उसका आ गए, ठीक है। यहाँ से आपको दिखाते हैं लोकेशन, यहाँ से व्यू कैसा आएगा तो आप देख सकते हैं कॉलेज का लगभग सारा इनको यहाँ से आपको कैंपस बिल्डिंग सारा दिखेगा आपको यहाँ से। इधर हम आगे बढ़ के देखने की कोशिश करते हैं और क्या क्या आपको यहाँ से दिखेगा। काफ़ी अच्छा यहाँ पे लोकेशन है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आपको मिलेगा, एक मतलब यहाँ पे आने जाने का थोड़ा सा दिक्कत है इसमें। अगर आपके पास पर्सनली अगर पर्सनल सुविधा नहीं है, साइकिल या फिर गाड़ी नहीं है, तो फिर आपको यहाँ पे कॉलेज में पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ सकता है आपको, लगभग 3 से 4 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा पैदल, क्योंकि इधर उतना ज़्यादा गाड़ी भी चलता नहीं है इधर, क्योंकि मतलब ये मतलब जो इलाका जो है ना ये पब्लिक सेक्टर में नहीं आता है, मतलब यहाँ पे पब्लिक जो ट्रांसपोर्टिंग है सिस्टम है वो इधर नहीं आता है अभी, ये केवल पर्सनल यूज के, जो पर्सनल इधर आपको जितना भी गाड़ी चलेगा पर्सनल व्हीकल मिलेगा आपको, उससे आप लिफ्ट लेकर जा सकते हैं, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होने वाला है यहाँ पे। धीरे धीरे यहाँ पे आपको डेवलपमेंट हो जाएगा एरिया का, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं हुआ क्योंकि अभी स्टार्टिंग है ना, इस वजह से अभी नहीं हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं उधर गर्ल्स हॉस्टल है आपको, और इधर स्टाफ क्वार्टर है, टीचर लोग यहाँ पर रहते हैं, कर्मचारी भवन है मतलब स्टाफ क्वार्टर, उधर टीचर लोग इसमें रखते हैं, जो जितना फैकल्टी है कॉलेज का वो सारा लोग उधर रहता है। इधर गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल से काफ़ी सेपरेट करके बनाया गया है,
और जनरली अधिकतर कॉलेज में, मैक्सिमम कॉलेज क्या, टोटल कॉलेज में वैसा ही होता है। गर्ल्स कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल अलग रहता है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सेम रहता है लेकिन उसका लोकेशन जो है बॉयज़ हॉस्टल से और भी जितना भी क्वार्टर है उससे अलग रहता है, सेपरेट रहता है, और सही भी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छा लोकेशन आपको यहाँ से दिख रहा होगा, देखिए उधर पक्षी छत पे बैठे हुए हैं और यहाँ से काफ़ी शानदार व्यू आ रहा है। इधर हरा भरा टोटल दिखेगा आपको, ग्रीन ग्रीन एकदम। तो अभी हम लोग नीचे आ गए हैं, हॉस्टल में थे अभी, चलिए अब दिखाते हैं गर्ल्स हॉस्टल और स्टाफ क्वार्टर दिखाते हैं आपको, उसके अंदर का आपको दिखाते हैं फैसिलिटी गर्ल्स हॉस्टल का, क्योंकि काफ़ी गर्ल्स लोग तो अभी भी आई नहीं होगी कॉलेज में, तो उनको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी हॉस्टल में मिलने वाला है। ठीक, तो देखिए अभी हम स्टाफ क्वार्टर के सामने, फोर्थ कर्मचारी भवन लिखा हुआ है, ये टीचर लोग के रहने के लिए जो बिल्डिंग बनाया हुआ है, टीचर और भी जो स्टाफ वगैरह हैं कॉलेज के उन लोग के लिए जा रहे हैं। सारा जो बिल्डिंग दिख रहा है आपको, एक बिल्डिंग है, दो तीन चार, इधर जो जितना ही बिल्डिंग है आपको दिख रहा है, ये सारा स्टाफ और फैकल्टी के लिए रहने के लिए है। ऑल बिल्डिंग आर फॉर ओनली फॉर फैकल्टी एंड स्टाफ ऑफ द कॉलेज, ओके। और एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बना है कॉलेज में, नया कॉलेज बना है, इसमें काफ़ी चीज़ सीखने को आपको मिलेगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बनाए हुए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप लोग पढ़े भी होंगे। यहाँ पे देखिए आपको बनाया गया है, इस पे जो रेन वाटर जो होता है, बरसात का पानी यहाँ से जाकर एक पार्टिकुलर टंकी बनाया हुआ है, उस टंकी में स्टोर होता है, फिर से फिल्टर होके आपको उसको रीयूज के लिए सप्लाई कर दिया जाता है। तो काफ़ी अच्छा चीज़ है, मतलब मॉडर्न तरीके से बनाया गया है कॉलेज को और अच्छा टेक्नोलॉजी को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, तो काफ़ी अच्छा चीज़ आपको है और इसका बिल्कुल यूज करना चाहिए। यहाँ पे देखिए रेन वाटर के लिए यहाँ पे बनाया गया है, इसके अंदर से टंकी का कनेक्शन जोड़ा हुआ है और पार्टिकुलर टंकी एक कहीं पे बनाया हुआ है, उधर बनाया हुआ टंकी, उस टंकी में सारा पानी स्टोर होता है, वहाँ से फिर रिफाइन होकर सप्लाई होता है। तो चलिए चलते हैं अब गर्ल्स हॉस्टल में, वहाँ का फैसिलिटी जानते हैं। जस्ट मेरे पीछे आप देख सकते हैं बालिका छात्रावास गर्ल्स हॉस्टल के सामने बिल्कुल खड़ा है और इसके अंदर चलते हैं और इसके अंदर का फैसिलिटी आपको दिखाते हैं, क्या क्या फैसिलिटी इसके अंदर आपको मिलने वाला है गर्ल्स हॉस्टल में। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो देखिए गर्ल्स हॉस्टल का मतलब गेट है, गर्ल्स हॉस्टल का ये मतलब अंदर जाने के लिए एंट्री गेट यहाँ पे है, तो इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं क्या क्या फैसिलिटी आपको। अभी तो यहाँ पे देखिए बारिश का जो पानी है वो यहाँ पे जमा हुआ है, अंदर चलते हैं और अंदर आपको दिखाते हैं क्या क्या फैसिलिटी आपको गर्ल्स हॉस्टल में मिलने वाला है। तो देखिए अभी यहाँ पे सामान रखा हुआ है इधर, अभी मतलब काम चल ही रहा है हॉस्टल का ही, मतलब कंप्लीट हो गया लेकिन थोड़ा बहुत काम जो बचा हुआ है वो चल रहा, फिनिशिंग पे है इसका सारा काम। और आपको ग्राउंड फ्लोर का कुछ रूम दिखाते हैं, गर्ल्स हॉस्टल का रूम कैसा होने वाला है। तो ये है आपका गर्ल्स हॉस्टल का रूम, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग सामान रखने के लिए इस टाइप का बनाया हुआ है, ये ग्राउंड फ्लोर का रूम है और फर्स्ट फ्लोर का देखेंगे उसमें क्या डिफरेंस है। जनरली तो इससे कुछ डिफरेंस होता नहीं है लेकिन आपको दिखाते हैं कुछ डिफरेंस है या फिर नहीं है। ये आपको इधर बाथरूम मिल जाएगा, बाथरूम भी अच्छा है। इधर बाहर देखेंगे तो यहाँ से आप बाहर जा सकते हैं और इधर आपको कुछ नहीं है, बस वही फील्ड टाइप का है और इधर और कुछ नहीं है। तो चलिए इस गेट को यहाँ पर लगा देते हैं और फिर चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, गर्ल्स कॉलेज हॉस्टल का फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं। तो अभी हम आ गए हैं गर्ल्स हॉस्टल के फर्स्ट फ्लोर पे और रूम जो बोले थे कोई डिफरेंस नहीं, रूम बिल्कुल सेम है, जैसा नीचे था रूम दिखाएं आपको वैसा ही रूम है। आपको फिर से दिखाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, यहाँ पे आपको दो लाइट मिलेगा और दो फैन मिलेगा और तीन लोग के लिए रहने पर सेपरेट सेपरेट बनाया हुआ है, आप यहाँ पर सामान वगैरह कपड़ा वगैरह रख सकते हैं। थोड़ा सा इसका जो कंस्ट्रक्शन है, जो रेक बनाया हुआ है, इसका कंस्ट्रक्शन बॉयज हॉस्टल से थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें यहाँ पे बीच में ज्वाइंट किया हुआ था ताकि आप उसके ऊपर कुछ रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सारा चीज़ नीचे रखना पड़ेगा। शायद आपको टेबल वगैरह मिलेगा, आप उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर बात अगर करेंगे यहाँ पे हॉल का, तो हॉल जैसा कि आपने अभी पहले देखा होगा बॉयज हॉस्टल का, उसी तरह से यहाँ पे भी एक तरह का हॉल बनाया हुआ है। यहाँ पे भी हॉल में आपको लाइट फैन पूरा तरह से आपको मिलेगा, फिट एंड फाइनल वेल मेंटेन वेल फिनिश्ड है, इट्स रियली ऑसम एंड गुड लुकिंग, ओके।
यू आर गोइंग टू गेटिंग ए लॉट्स ऑफ फैसिलिटी इन द गर्ल्स हॉस्टल एंड बॉयज हॉस्टल ऑल्सो एंड देर इज़ नो एनी डिफरेंस बिटवीन द बॉयज हॉस्टल एंड द गर्ल्स हॉस्टल. द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ बोथ हॉस्टल आर सेम. मतलब दोनों कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्कुल सेम है, कुछ चेंजिंग नहीं है. बाकी फैसिलिटी और जो भी चीज़ आपको मिलेगा काफ़ी अच्छा रहने वाला है. ये शायद किचन का कुछ बनाया हुआ है यहाँ पे. आप किचन का सेट है, आप यहाँ पे दो तीन लड़की लोग एक किचन में खाना ही बना सकते हैं. शायद सेपरेट किचन बनाया हुआ है. लेकिन एक चीज़ ये डिफरेंस लगा, बॉयज़ हॉस्टल के इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है. आपको होती का क्या बोलते हैं किचन का, किचन जो है एक्स्ट्रा में है. बाकी और तो ऊपर है, थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर होगा. बाकी हम लोग यहाँ से भी चलते हैं और भी जो चीज़ कॉलेज में छूटा हुआ है उसके बारे में आपको दिखाते हैं. बंद कर. तभी जस्ट बॉयज़ हॉस्टल के सामने बैठे हुए हैं और मेरे सामने जस्ट उधर गर्ल्स हॉस्टल है वहाँ पे. तो इधर पहले आपको हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए जो है ये फुटबॉल ग्राउंड है. आपको दिख रहा होगा नेट के लिए जो बॉल गाड़ा हुआ है यहाँ पे ये बेसिकली ये फुटबॉल ग्राउंड है. लेकिन अभी यहाँ पे ज़्यादा घास वगैरह जम गया है. लेकिन जब आप लोग का रेगुलर जब कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, आपका कॉलेज क्लास जब चलने लगेगा आपको रेगुलर, तो यहाँ पे आपको साफ़ सफाई हो जाएगा और आपको अच्छा एक ग्राउंड यहाँ पे मिलने वाला है फुटबॉल के लिए. क्रिकेट ग्राउंड अभी यहाँ पे तो अभी तक हमको नहीं दिखा है. शायद हो सकता है कि बाहर में आप मतलब बाउंड्री के बाहर खेल सकते हैं जब फसल वगैरह जो कट जाएगा उसके बाद. लेकिन फुटबॉल के लिए ग्राउंड आपको परमानेंट यहाँ पे आपको कैंपस में मिलने वाला है. आई होप जीपी औरंगाबाद के बारे में पूरा डिटेल आपको जानकारी मिल गया हो जो चाहिए था और अंदर का फैसिलिटी आप लोगों को पता चल गया होगा कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी है. अभी लैब और लाइब्रेरी हम नहीं दिखा सकते थे क्योंकि यहाँ पे जो स्टाफ थे उन्होंने बोला है कि अभी सेटअप हो रहा है, अभी इंटरनली सेटअप थोड़ा थोड़ा भी बाकी है यहाँ पे लैब का और लाइब्रेरी का. तो जैसे ही सेटअप होगा उसका अलग से वीडियो बना के हम आपको अपलोड कर देंगे, उसके बारे में आपको दिखा देंगे. तो अभी यहाँ पे सारा बुक्स वगैरह आ गया था, अभी सेटअप हो ही रहा था, काम चल रहा था लैब का और लाइब्रेरी का. सारा सेटअप कुछ दिन में हो जाएगा. और आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी मज़ेदार वीडियो था. इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. और ऐसे ही मेरे चैनल को मतलब मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए. अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें. थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. धन्यवाद.